तो हेलो जान साहब, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस फोटो को एडिट करने वाले हैं। देख सकते हैं हमारा रियल पिक, और अभी एडिट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं कितना हार्ड एडिट है मेरी जान। देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए जान, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर करना है स्नैपचैट पे। यहाँ से आने के बाद यहाँ ट्यून इमेज पे, यहाँ से एम्बिएंस हल्का सा बढ़ा लेना है और ब्राइटनेस हल्का सा, और यहाँ से सिलेक्टिव पे आना है और हल्का सा फेस को वाइट कर लेना है। इतना करने के बाद मेरी जान यहाँ से डिटेल को हल्का बढ़ा लेना है। यहाँ पे हो जाने के बाद शेयर कर लेना है LR पे। LR करना है, LR पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते थोड़ा देर वेटिंग लेगा। LR में घुसने के बाद यहाँ से दे आना है मेरी जान। यहाँ से एक प्रीसेट बनाए हुए हैं, प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से कॉपी रन कर लेना है, उससे पेस्ट कर देना है। तो देख एक क्लिक पे देख सकते हैं कितना हार्ड एडिट हो गया मेरी जान, फुल HD क्वालिटी में। तो यहाँ से वजन के बाद आउटपुट डेस्क पर ले जाना है। आउटपुट डेस्क पर लोडिंग लेगा हल्का सा, यहाँ से जिसका पहले से फोटो था। तो देख सकते हैं आउटपुट डेस्क पर आ गया। यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और यहाँ से ब्रश रखेंगे। इस देख लीजिए ब्रश कुछ इस वाला रहेगा। सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग को स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से साइज अपने हिसाब से रख लीजिए, तो स्मूथ मारिए आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो देख सकते हैं कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है मेरी जान, आराम आराम से स्मूथ मारना है, हल्का हल्का स्लोली स्लोली। तो मैं वीडियो को फास्ट नहीं करूंगा, पूरा आराम आराम से पूरा सिखाऊंगा। साइज को बढ़ाते बढ़ाते रहना है। तो देख सकते हैं हमारा स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे काला काला धब्बा आ रहा है, इसको हटा लेंगे। तो यहाँ पे काला काला धब्बा उसको हटाएंगे, पहले स्मूथ मार लेते हैं। देखिए स्मूथ हो चुका है, उसके बाद एक लेयर ले लेंगे। तो लेयर कुछ इस तरीके से
हल्का इधर लगाता हूँ और उसके बाद यूट्यूब पर लोगों ने इसलिए कैसे से जान लो लेना है और आराम आराम से अपने फेस पर मार लेना है।